सभी विद्यार्थियों और सभी मित्रों को वीएम शर्मा सर की तरफ से जय श्री राम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लॉज है, जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही शानदार और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एकेडमिक एग्जाम हो या कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, क्लॉज में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और अगर आपने क्लॉज को अच्छे से तैयार नहीं किया, क्लॉज को नहीं समझा, तो जितनी भी इंग्लिश है पूरी इंग्लिश में आपको हमेशा प्रॉब्लम आती ही रहेगी, राइट? और ज्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं वो क्लॉज के टॉपिक के नाम से ही डरते हैं कि सर ये क्लॉज कैसे भी समझ में नहीं आता, कई बार पढ़ लिया आज तक समझ में नहीं आया। आपको बिल्कुल घबराने की और डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो आप क्लॉज पढ़ने के लिए जा रहे हैं एक एक चीज आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर आने वाली है, ठीक है? चलिए समय का ध्यान रखते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने सभी मित्रों को शेयर करें, ताकि जितने भी आपके मित्र हैं और जो भी विद्यार्थी हैं वो सभी इसका पूरा फायदा उठा सकें, राइट? चलिए तो बात करते हैं पहले क्लॉज। क्लॉज क्या है, क्लॉज को क्या कहते हैं? क्लॉज को सबसे पहले देखो, किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसे ये समझिए कि ये है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, आखिर ये ग्रामर में क्यों आया, क्या इसका रीजन है, कहां पर इसका यूज होता है, मतलब बहुत सारी चीजों को हमें उसको समझते हुए चलना है, ओके? तो क्लॉज को हिंदी में हम कहेंगे उपवाक्य, उपवाक्य, राइट? क्लॉज को क्या कहते हैं, उपवाक्य। अब थोड़ा मैं यहां पे आपको बताऊं, जैसे यहां पर आपने ये वर्ड सुना क्लॉज, ओके? इसको हिंदी में क्या कहेंगे, उपवाक्य, बड़े ध्यान से समझना इसको। आपने एक शब्द सुना होगा सेंटेंस, सुना ही होगा, सेंटेंस, सेंटेंस को कहते हैं वाक्य, वेरी गुड। अरे सर आप यहां सेंटेंस क्यों समझा रहे हैं, बिल्कुल सही समझा रहा हूं, सेंटेंस के बिना क्लॉज समझ में आने वाले नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हैं, बड़े ध्यान से समझना। इंग्लिश को छोड़िए आप हिंदी समझो, वाक्य और उपवाक्य, यानी वाक्य इसमें भी है और वाक्य इसमें भी है, इसमें क्या बढ़ गया है, उप, और उप का मतलब आप समझ गए होंगे छोटा वाक्य, यानी यदि वो पूरा है, यदि वो पूरा है तो वो वाक्य होगा, और उसमें दो छोटे छोटे वाक्य जुड़ जाएं तो वो क्या हो जाएंगे, उपवाक्य हो जाएंगे, ठीक है? यानी एक वाक्य में कई क्लॉज हो सकते हैं, एक वाक्य में कई क्लॉज हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, यानी एक वाक्य में एक क्लॉज भी हो सकता है, दो क्लॉज भी हो सकते हैं और दो से अधिक क्लॉज भी हो सकते हैं, किसमें, एक वाक्य में। यानी इंग्लिश में समझें तो एक सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, एक सेंटेंस में दो क्लॉज भी हो सकते हैं और एक सेंटेंस में दो से अधिक क्लॉज भी हो सकते हैं, पहले इस बात को समझें। जो टॉपिक मैं समझा रहा हूं उसे आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की बिल्कुल गारंटी है, बड़े ध्यान से समझते जाओ। अब मैं थोड़ी सी इसकी बात डेफिनेशन की कर लेता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेके चलूंगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या कह रही है, इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है, परिभाषा, डेफिनेशन को हिंदी में कहेंगे परिभाषा। एक क्लॉज, एक उपवाक्य
यजमान है, उपवाक्य है, क्या है? ए ग्रुप, ग्रुप माने समूह ऑफ वर्ड्स, शब्दों का, यानी उपवाक्य शब्दों का समूह होता है। उपवाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह विच जो फॉर्म्स रूप होता है, जो क्या होता है, एक रूप होता है, किसका? पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जो वाक्य का क्या है, एक हिस्सा है। उपवाक्य क्या है? वाक्य का हिस्सा है। यानी क्लॉज शब्दों का समूह होता है जो वाक्य का क्या होता है, हिस्सा होता है। और कॉन्टेंट्स माने इसके अंदर, ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट होगा, एंड और ए प्रेडिकेट, एक प्रेडिकेट होगा, ऑफ इट्स ओन, इसका स्वयं का। सीधी सी बात क्या समझ में आई? यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाए हिंदी में तो ऐसे बना सकते हैं कि उपवाक्य शब्दों का वह समूह है जो वाक्य का एक हिस्सा होता है और जिसका अपना स्वयं का एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। ओके, अब थोड़ा समझते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है। चलिए, पहले इसको समझाने से पहले ये स्लाइड में तभी मिटाऊंगा जब आपकी समझ में पूरा जाएगा। मान के चलते हैं कोई सेंटेंस हमने यहां पे लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया मोहन, ठीक है, इज, मोहन इज ए गुड बॉय। कोई वाक्य हो सकता है, गुड बॉय, ठीक है भाई, ये सेंटेंस आ गया, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा बालक है। अभी यहां पे हमें क्या समझना है, पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। तो मोहन इज ए गुड बॉय, इसमें क्या है, जो मोहन है ये इसका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का एक अलग से वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूं, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन यहां फिलहाल आप इसको समझ लें। सब्जेक्ट को छोड़कर के जितना भी शेष हिस्सा होता है वो सब क्या होता है, प्रेडिकेट। ओके, चाहे कोई वाक्य हो चाहे कोई उपवाक्य हो, उसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से शेष बचा हुआ हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। पहले सब्जेक्ट और एक जो शेष बच गया वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अगर हम इस वाले वाक्य की बात करें तो ये क्या है, मोहन इज ए गुड बॉय, मोहन अच्छा बालक है। यानी अभी हमने आपको बताया था कि वाक्य में एक क्लॉज भी हो सकता है, तो ये जो वाक्य अगर हम इसमें क्लॉज की बात करें तो एक ही क्लॉज है, क्योंकि है ही एक, तो दो कहां से आएंगे, ठीक है। अब हमारे सामने ये सेंटेंस है, मोहन इज पुअर, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, मोहन, और इज पुअर क्या है, प्रेडिकेट। यानी ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट है, राइट। अब यहां से व्हाट, इस कंजेक्शन से कोई ये वाक्य जुड़ गया, ही, यहां पे फिर सब्जेक्ट आ गया, और इज हैप्पी, फिर प्रेडिकेट आ गया। ओके, अब देखिए, मोहन इज पुअर, व्हाट ही इज हैप्पी। अब यहां पे हमने क्या देखा कि यहां से लेकर के, यहां से स्टार्ट करो, यहां से चलने दो, ये पूरा जो है ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है। सेंटेंस मतलब वाक्य है। ओके, ये पूरा क्या है, वाक्य है। अब इस वाक्य में कितने हिस्से हैं, यहां से आप ले जाइए, मोहन इज ए पुअर, इस वाक्य का एक हिस्सा तो ये हो गया, ये एक, तो एक उपवाक्य आपका ये बन गया, उपवाक्य मतलब छोटा वाक्य। व्हाट ही इज हैप्पी, एक उपवाक्य ये बन गया, यानी दो। तो यहां पे हमने क्या देखा कि दो उपवाक्य मिलाकर के एक वाक्य बन गया, यानी मोहन इज पुअर ये उपवाक्य हो गया, एक क्लॉज हो गया, व्हाट इज हैप्पी यह उपवाक्य हो गया, एक क्लॉज हो गया। दो उपवाक्यों को मिलाकर के एक सेंटेंस का निर्माण हुआ है। अभी हमने क्या बताया था, एक वाक्य में एक भी क्लॉज हो सकता है, जैसा इसमें एक ही क्लॉज है, एक वाक्य में दो क्लॉज हो सकते हैं, तो इसमें दो क्लॉज हैं, और दो से आगे भी तीन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इस वाक्य में कितने क्लॉज हैं, दो, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। चलिए अब एक वाक्य इसमें और देख लेते हैं, जैसे हमारे सामने एक सेंटेंस है, ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट ही वुड हेल्प मी, वह मेरी सहायता करेगा। अब इस सेंटेंस में देखने वाली बात यह है कि यह पूरा, यहां से स्टार्ट करते हैं यहां तक, यह पूरा क्या है, एक सेंटेंस है। ओके,
इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं? ही टोल्ड मी, ये यहां पर एक क्लॉज हो गया, एक क्लॉज हो गया, ठीक है। दैट ही हेल्प मी, ये यहां पर दूसरा क्लॉज हो गया, राइट। तो यहां पर एक क्लॉज ये और एक क्लॉज ये दोनों क्लॉज मिलाकर के यहां पर क्या बना है? ये एक सेंटेंस का निर्माण हुआ है। बात समझ में आ गई? यानी यहां पर हमने सीखा कि जो क्लॉज होता है वो वाक्य का ही एक हिस्सा होता है, राइट। कभी कभी एक ही क्लॉज से वाक्य बन जाता है, कभी कभी दो या उससे अधिक क्लॉजों से वाक्य बन जाता है। अब वो सेंटेंस को हमें देखना पड़ेगा कि उसमें कितने क्लॉज दिए गए हैं और क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, ये अब हम आगे क्लास में पढ़ते हैं। तो यहां पर हमने इस स्लाइड में यही सीखा कि क्लॉज शब्दों का एक समूह होता है जो वाक्य का हिस्सा होता है और जिसका अपना एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं थोड़ा आगे। काइंड्स ऑफ क्लॉज यानी उपवाक्य के प्रकार। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं भाई। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्लॉज। उपवाक्य मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कितने? तीन। विच आर एस फॉलोस, जो निम्नलिखित हैं। उपवाक्य मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। अब हम समझते हैं कि जो क्लॉज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर वन की, राइट। नंबर वन, नंबर वन है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज। इसको कोई प्रिंसिपल क्लॉज बोलता है, कोई मेन क्लॉज बोलता है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, प्रधान उपवाक्य मुख्य उपवाक्य। इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? प्रधान उपवाक्य या मुख्य उपवाक्य। अब इसकी परिभाषा क्या है जरा देखते हैं। दिस क्लॉज यानी यह क्लॉज इज है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। सबसे पहली बात इसकी क्या निकल गया है? कि यह क्लॉज स्वतंत्र होता है। देखो इसकी परिभाषा में इसकी विशेषता छिपी है और विशेषता में इसकी परिभाषा छिपी है, दोनों चीज समझे ना। यह क्लॉज स्वतंत्र होता है और एंड माने और, डज नॉट माने नहीं, डिपेंड माने निर्भर रहना, ऑन एनी अदर क्लॉज किसी दूसरे उपवाक्य पर, फॉर इट्स मीनिंग अपने अर्थ के लिए, यानी यह क्लॉज स्वतंत्र होता है और अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर निर्भर नहीं रहता। दिस क्लॉज इज यानी यह क्लॉज है, नॉट माने नहीं, कनेक्टेड माने जुड़ना, टू एनी कंजक्शन, और यह क्लॉज किसी कंजक्शन से नहीं जुड़ता है। तीन इसकी विशेषता हमारी समझ में आई और तीनों विशेषताओं से ही हमने इसकी परिभाषा तैयार कर दी। तीनों विशेषता क्या आई? इन तीनों विशेषताओं को बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहली विशेषता इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होता है, इसकी पहली बात है, बड़े प्रेम से ध्यान रखना है, राइट। ये किसी पर क्या होता है? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होता है, निर्भर नहीं रहता है, यानी अपना जब ये अर्थ देता है तो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता अपने मीनिंग के लिए, और किसी कंजेक्शन से जुड़ा नहीं होता। ये दो बातें इसकी बिल्कुल मेन है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी होगी। पहली बात, ये स्वतंत्र होता है, अपने अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता, और दूसरी बात, किसी कंजक्शन से जुड़ा नहीं होता है। अब एक सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना इस वाक्य को। ये वाक्य है हमारे सामने, यहां वेयर का अर्थ कहां नहीं होगा, वेयर का अर्थ यहां पर जहां हुआ। अब देखो ये पूरा यहां से यहां तक ये क्या है? एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं? आई डू नॉट नो, एक क्लॉज ये हो गया। वेयर ही लिव्स, जहां वह रहता है, दूसरा ये हो गया। तो ये क्लॉज वन बना और ये क्लॉज टू बना। तो ये तो हमने अभी सीख ही लिया था कि इसमें दो उपवाक्य हो गए, ये पूरा सेंटेंस हो गया। अब यहां पर बात ये आ रही है कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा मेन क्लॉज है, राइट। तो अब मैं चाहूं यहां से आई डू नॉट नो, यहां पर मैं फुल स्टॉप लगा सकता हूं, मैं नहीं जानता, खत्म हो जाएगा वाक्य, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्या ये सेंटेंस इस पर निर्भर है? बिल्कुल नहीं है, स्वतंत्र है, नो प्रॉब्लम। इस सेंटेंस में कोई कंजेक्शन लगा हुआ है? जैसे वेयर है, हु है, वाई है, दैट है, कोई कंजेक्शन इसमें है? नहीं है। तो दोनों बातें इसकी निकल के आ गई हमारे सामने, यानी ये किसी पर निर्भर नहीं है अपने अर्थ के लिए, और किसी कंजेक्शन से जुड़ा भी नहीं है। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया? ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। ओके, अब हमने बोला वेयर ही लिव्स, जहां वह रहता है। तो अब मैं इतना सेंटेंस लिखना चाहूं, वेयर ही लिव्स, जहां वह रहता है, तो तुम्हें क्या लगेगा? अधूरा सा है, इसमें कुछ ना कुछ और होना चाहिए। तो ये अपने अर्थ के लिए इस पर क्या है? निर्भर है, राइट। दूसरी बात, ये कंजेक्शन से जुड़ा हुआ है वेयर से, तो देखो कंजेक्शन से भी जुड़ गया और निर्भर भी है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज नहीं हो सकता। ये कौन सा बनेगा जो मैं आगे से कहूं, राइट। तो हमने यहां पर प्रिंसिपल क्लॉज को सीखा, प्रिंसिपल क्लॉज की क्या विशेषता और क्या परिभाषा है, दोनों एक साथ समझे कि प्रिंसिपल क्लॉज स्वतंत्र होता है, अपने अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता और किसी कंजक्शन से जुड़ा नहीं होता है। इस बात को बड़े प्रेम से समझ लें। वो कौन सा क्लॉज होगा? प्रिंसिपल क्लॉज होगा। पहचान लोगे प्रिंसिपल क्लॉज को? वेरी गुड। चलिए अब बात करते हैं इसके सेकंड सेकंड क्लॉज कौन सा होता है? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज, इसको हिंदी में बोलते हैं समानपदीय उपवाक्य। क्या बोलते हैं? समान पदीय उपवाक्य। इसमें दोनों पद समान रहती हैं। ओके, चलिए परिभाषा इसकी देख लेते हैं। दिस क्लॉज इज इंडिपेंडेंट, यह क्लॉज स्वतंत्र होता है। वेरी गुड, यह विशेषता ऊपर वाले में भी थी और इसमें भी थी, बिल्कुल दोनों की एक ही विशेषता है। एंड डज नॉट डिपेंड ऑफ एनी अदर क्लॉज ऑफ इट्स ओवन मीनिंग, और अपने स्वयं के अर्थ के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहता। यहां तक तो भैया कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों में, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों एक जैसे हैं। लेकिन यहां से हमें डिफरेंस दिखा, व्हाट व्हाट लग गया, समझ लो कुछ अलग मिलने वाला है। इट इज कनेक्टेड टू कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन, यह कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन से जुड़ा होता है। जो ऊपर वाला था वो जुड़ा नहीं होता था, और नीचे वाला है यानी ये कोऑर्डिनेटिंग है, ये जुड़ा होता है, बस यही अंतर है इनमें, राइट। देखिए दो सेंटेंस हमारे सामने है, जरा दोनों सेंटेंसों को समझें। इसमें ये पूरा यहां से यहां तक एक वाक्य है, अभी मैं आपको बता चुका हूं, ये पूरा एक सेंटेंस है। इसमें कितने क्लॉज हैं? इसमें दो क्लॉज हैं भाई। कौन कौन से क्लॉज हैं जरा देख लेते हैं। आई शैल गो, मैं गया, एंड ही विल कम, वह आया। ओके, अब मैं क्या करूंगा? आई शैल गो एक की हो गया, एंड ही विल कम। अब इस सेंटेंस को मैं अकेला लिख सकता हूं, ही विल कम, वह आया। तो ये किसी पर निर्भर नहीं है, स्वतंत्र है, और आई शैल गो ये भी स्वतंत्र है। अब हम कैसे पहचाने हैं कि ये प्रिंसिपल है कि कोऑर्डिनेट है, कि कोऑर्डिनेट है कि प्रिंसिपल है? तो सीधी सी पहचान, देखो ये विशेषता दोनों की एक है, ये भी इंडिपेंडेंट होता है और ये भी इंडिपेंडेंट होता है, तो ये दोनों में समानता है, तो इससे आप नहीं पहचान सकते कि प्रिंसिपल है कि मैन ये कोऑर्डिनेट है। ओके, अब डिफरेंस क्या है? ये वट से है, ये जो होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज वो कंजेक्शन से जुड़ा होता है। जैसे ये जुड़ गया एंड से, किससे जुड़ गया? एंड से। ये किसी जुड़ा है? नहीं। तो ये बनेगा प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि इसमें कोई कंजेक्शन से नहीं जुड़ा है, और ये स्वतंत्र ये भी होता है लेकिन ये एंड से जुड़ गया, तो ये कौन सा हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोई दिक्कत? अब कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन क्या होते हैं? ये लो, ये आप याद कर लो, एंड है, और है, इफ है, व्हाट है, अदरवाइज है, व्हाट इफ है, नॉट ओनली है, व्हाट ऑल्सो है, नॉट ओनली है, डॉट डॉट एज वेल, आइदर और, नाइदर नॉर, हाउ एवर, जहां भी ये आपको दिख जाए, सो समझ लो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन है। या तो इनसे पहचान लो कि जहां ये लग गए समझ लो वहां से कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और इनसे नहीं पहचानो तो ये देख लो कि ये स्वतंत्र होगा और किसी पर, यानी जो अपने अर्थ के लिए निर्भर नहीं होगा लेकिन कंजेक्शन से जरूर जुड़ा होगा। तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यानी प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज में हमने क्या देखा? अंतर देखा। तो दोनों में समानता क्या है? समानता यह है कि दोनों स्वतंत्र होते हैं। असमानता क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज में कोई कंजेक्शन नहीं होता, बल्कि कोऑर्डिनेट क्लॉज में कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन होते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन कौन से हैं? ये बड़े प्रेम से पहचान सकते हो। अब बात करते हैं इसके थर्ड, तीसरे पार्ट की। तीसरा पार्ट होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सबऑर्डिनेट को हिंदी में बोलते हैं आश्रित या निर्भर उपवाक्य। नाम से पता चल रहा है, आश्रित
या निर्भर, यानी ये किसी पर आश्रित रहेगा, निर्भर रहेगा। हिंदी से ही आप क्लियर कर लीजिए। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस क्लॉज डज नॉट एक्सप्लेन इट्स मीनिंग इंडिपेंडेंटली, यानी यह अपने अर्थ को स्वतंत्र रूप से नहीं दे सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट हैज टू रिलेट टू द प्रिंसिपल क्लॉज टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, और यह अपने अर्थ को देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है। जाहिर सी बात है यह स्वतंत्र नहीं होता, अगर इसको अपना अर्थ देना होगा तो प्रिंसिपल निर्भर रहना होगा, ठीक है। एंड और दिस क्लॉज इज कनेक्टेड टू सबऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन, और यह सबऑर्डिनेटिंग कंजेक्शन से जुड़ा होता है। बहुत बढ़िया बात निकल गया, इसका तो सभी कुछ अलग है। यानी इसमें हमने क्या बात देखी, इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि ये क्लॉज एक तो अपना पूरा अर्थ नहीं दे सकता, और अगर इसको अर्थ देना पड़ेगा तो प्रिंसिपल पर निर्भर रहना पड़ेगा, और किसी न किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होगा। तो देखते हैं यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है, राइट। और इसमें कितने क्लॉज हैं, दो क्लॉज हैं, ओके। अब यहां से ये क्लॉज बन गया आई मैच ए मैन, मैं एक व्यक्ति से मिला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये किसी पर निर्भर नहीं है, किसी कंजक्शन से नहीं जुड़ा, इसलिए प्रिंसिपल क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है, प्रिंसिपल। हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था। अब इतना मैं लिखूं जो अंधा था, तो क्या ये वाक्य पूरा हुआ, नहीं हुआ। इसको अपना अर्थ देना है तो इस पर निर्भर होना है। अब ये पूरा हम बोलेंगे आई मैच ए मैन, मैं एक व्यक्ति से मिला, हु वॉज ब्लाइंड, जो अंधा था। अब इसका पूरा अर्थ हुआ तो ये इस पर निर्भर है, और हु इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। समझ में आ गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज वह क्लॉज होता है जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहता है, अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता है, और किसी न किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी आप याद रख सकते हैं, ये लीजिए हु है, विच है, दैट है, हुज है, हुम है, दैट है, इफ है, ये जितने भी है इन सबको आप लोग एक बार देख लीजिए, ये कंजक्शन जरूर लगे होंगे इसमें, ओके? तो समझ में आ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो अपना पूरा अर्थ नहीं दे सकता, अपने अर्थ को देने के लिए प्रिंसिपल निर्भर रहना होगा इसको, प्रिंसिपल क्लॉज पर, राइट, और किसी ना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको थोड़ा सेंटेंस के बारे में भी समझना है, सेंटेंस के बारे में भी मैं बताऊंगा इसमें या अगले वीडियो में, मैं आपको बताता हूं कि सेंटेंस क्या होता है। चलिए इसी में समझा देता हूं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन वाक्यों से मैं समझाता हूं। एक तो यही हमारे सामने है, एक मैं यहां पे वाक्य लिख देता हूं, कोई भी वाक्य ले लीजिए, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, ठीक है। एक दूसरा वाक्य ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं, चलिए जैसे हमने लिख दिया आई केम हेयर, मैं यहां आया, ठीक है भाई। एंड यू गो देयर, यू गो देयर। अब ये तीनों सेंटेंस हैं, राइट। अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है ये आपका सिंपल सेंटेंस है। कौन सा है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। ये वाला जो आपका है ये कंपाउंड सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। ये वाला है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, तीन, सिंपल सेंटेंस,
कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये पहला है, ये आपका दूसरा सेंटेंस है, और ये आपका तीसरा। वैसे इस विस्तार का एक वीडियो बनाऊंगा मैं जो बिल्कुल विस्तृत होगा। अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसमें एक ही उपवाक्य होता है, कितना होता है एक, जिसका अपना एक सब्जेक्ट हो गया जी भाई, और ये इसका प्रीडिकेट हो गया। तो ये कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, जिसमें केवल एक उपवाक्य होगा। तो बड़े प्रेम से पहचान सकते हैं जिसमें एक उपवाक्य है वो सिंपल सेंटेंस। अब बात करते हैं कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड में आपको ध्यान रखना है, इसमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगा, कौन सा क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट। तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज बराबर क्या बनेगा, कंपाउंड सेंटेंस। अब इसमें देखो दिया है आई केम हेयर, मैं यहां आया, एंड यू गो टू देयर, और तुम वहां गए। तो ये पहला वाला जो क्लॉज है ये प्रिंसिपल क्लॉज है, और दूसरा क्लॉज है वो कौन सा है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। इसमें बात करते हैं आई मेट ए मैन, यहां ये प्रिंसिपल क्लॉज है। तो जब एक प्रिंसिपल क्लॉज प्लस एक सबॉर्डिनेट क्लॉज, कौन सा, सबॉर्डिनेट क्लॉज मिलता है, तो बराबर फिर कौन सा सेंटेंस बनता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीनों सेंटेंस समझ में आ गए, यानी सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें एक ही उपवाक्य होता है, तो यह तो तुरंत पकड़ में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक कोऑर्डिनेट क्लॉज हो, उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज हो और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज हो, उसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आप सेंटेंस भी पहचान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर आपने क्लॉज समझे, क्लॉज के तीन प्रकार समझे, तीनों सेंटेंस समझे। अब आगे की क्लास में इन क्लॉजों को मैं विस्तार से समझाना स्टार्ट करूंगा, राइट। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस चीज पर आपको वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, ओके। यहां क्लॉज के पूरे सिस्टम को मैंने आपको समझाया, हां एक एक चीज को बड़े विस्तार से और बड़े अच्छे तरीके से। आप लोग इनके नोट्स बनाइए, इनकी फेयर बनाइए, ताकि आगे आने वाली क्लॉज की क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। YouTube पर मैं लाइव क्लास चला रहा हूं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हल कराए जा रहे हैं, क्लॉज में से क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। शाम को 7 बजे लाइव क्लास का टाइम है, जिसमें आपकी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को क्लास होगी। उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई फीस नहीं है, बड़े प्रेम से आप उस क्लास को लेकर के स्टडी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं वीएम शर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।